आप सबके अंदर विराजमान परमपिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम। आज रक्षा बंधन का त्यौहार है, बहुत विचार चल रहे हैं संसार के मध्य में कि क्या समय उचित है। मैं जब सुबह ध्यान से उठा तब भी यही विचार चल रहे थे कि बांधना भी सही है नहीं है, राखी कब बांधे, समय क्या है। मैंने पिछली बार भी बोला था कि ये जो खेल भोले भाले जीवों के साथ अनजान जो उस परमपिता की ताकत से और उसकी सत्ता से उसके प्रेम से अनजान लोग हैं, उनकी भावनाओं के साथ उनके मन के साथ ये लोग खेलते रहते हैं। कभी किसी नाम से, कभी किसी विषय को लेकर के, और भोले भाले जीवों को इधर उधर शंकाएं पैदा करते रहते हैं, भय पैदा करते रहते हैं, डराते हैं। और जो असली तत्व है वहां तक विचार न जाता है, न वहां तक इस विचार को ले जाने की कोशिश करते हैं। ये जो खेल इस संसार के अंदर उनके द्वारा, मैं तो साधक भी नहीं कहूँगा, क्योंकि जो लोग साधना में चल पड़े हैं, उस रास्ते के ऊपर चल पड़े हैं, वो भी जीवों को गलत रास्ता नहीं दिखाते और गलत रास्ते के ऊपर ले करके नहीं जाते। लेकिन इस संसार के अंदर अनेकों नियम कानून बना दिए गए, अपने अपने तरीकों से मानव को बांध दिया गया, जीवों को बांट दिया गया, धरा को धरती को बांट दिया, समाज से लेकर के हर वस्तु हर व्यक्ति के मन के अंदर ये विचार चलने लगे, क्या मैं सही हूँ या ये जो बोल रहे वो सही है, क्या सही है क्या गलत है। संतों की वचनों को, महापुरुषों के शब्दों को घुमा फिरा करके, तोड़ मरोड़ करके, समझ ना होने के कारण से, बुद्धि और विवेक ना होने के कारण से, उनको वहाँ तक ना पहुँचने के कारण से घुमा घुमा करके प्रस्तुत किया गया और समय को श्रेष्ठ घोषित कर दिया कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं महात्मा हूँ, मैं अवतार हूँ, मैं पीर फकीर हूँ। और जो हमारे संत महात्मा हुए वो कुछ नहीं, जो इस धरा के कल्याण के लिए साधना कर रहे हैं
प्रयास कर रहे हैं लोगों को जगाने का, वो कुछ नहीं। और जीवों के अंदर, बुद्धि के अंदर ऐसे शब्दों को डाल दिया जो साधना की ओर न ले जा करके साधना से दूर ले करके जाते हैं, जीव को भ्रम पैदा करते हैं, भय पैदा करते हैं, जीव के अंदर इतनी शंकाएं पैदा करते हैं, एक विचार के हजारों विचार बन जाते हैं, हजारों से लाखों विचार तैयार हो जाते हैं। और जीव भोला बेचारा ये समझ करके कहीं कुछ पाप न लग जाए, कहीं मेरे कारण किसी का बुरा ना हो जाए, कहीं मेरे हाथ से कुछ गलत ना हो जाए, कहीं वो परमात्मा मेरे कारण रुष्ट ना हो जाए, कहीं और दोष ना हो जाए मुझसे, बड़ी सावधानी के साथ जीवन जीने का प्रयास करते हैं और अपनी तरह से संभल संभल करके कदम रखते हैं, लेकिन साधना नहीं कर पाते। क्योंकि मैं हर रोज देख रहा जीवों को, मैं हर रोज देख रहा गुरुओं को, क्या हालत इस जगत की हो गई है कि संसार के अंदर गुरु नाम मात्र के हैं और परमात्मा बहुत हो गए हैं, अनेकों परमात्मा बन गए और अनेकों परमात्मा अपने आप को साबित करने के लिए ना सच के रास्ते पर स्वयं चल पाते हैं, न सच का मार्ग दिखा पाते हैं और मनमाना आचरण करके, मनमाना खेल करके, मनमाने ढंग से भक्ति करके, मनमाने मार्ग का आचरण करके, मनमाने रास्ते के ऊपर जीवों को चला करके समय भी भटके हुए हैं और जीवों को भी उस ब्रह्म से, उस सत्ता से दूर करते जा रहे हैं। क्योंकि वो परम सत्ता हमारे जो संत हुए, जब उनकी नजरों में कुछ भेद नहीं था, जब उनकी नजरों में स्त्री पुरुष में भी भेद नहीं था, तो और जितने भी भेद खड़े किए, ये सब के सब भेद मानव ने खड़े किए, इस संसार ने खड़े किए, जीवों ने खड़े किए। और जो हमारे समाज के जो समझदार लोग जिनको हम मानते हैं, जो कथाकार थे, जो पुस्तकों के जानकार थे, जो विद्वान थे, जिन्हें अक्षरों का ज्ञान था, शब्द का ज्ञान नहीं था, जिन्हें बस पुस्तकों की जानकारी थी, सिद्धों के वचन की जानकारी नहीं थी, उन्होंने बांट दिया सब कुछ। संतों ने सब के लिए जो उनके पास गए सब दरवाजे खोल दिए। क्योंकि संतों की नजर में जब स्त्री पुरुष का ही भेद नहीं होता, तो और भेद तो बहुत दूर की चीजें होती हैं, बहुत दूर की वस्तुएं होती हैं। क्योंकि वो जानते हैं